Congrats. Neetu, I'm so happy. ये क्या हो रहा है ऋषभ? आपकी खुशी में मैं भी थोड़ा खुश हो रहा था रंजना देवी। ये कुछ सलीका है? सलीका? जब भी आप कोई गुनाह करती हैं, तो अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए मुझे सलीकों की दुहाई देती आप। यहाँ कोई गुनाह नहीं और अब आपके गुनाहों के पैमाने इंसानियत से ताल्लुक नहीं रखते, कुंवर रणधीर सिंह साहब। हाँ, मैं जानता हूं इंसान कौन है। नमस्ते, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कितना खुश हूं जो आपसे मिलने का दुर्भाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। वाह वाह साहब वाह, क्या किस्सा है। 25 साल पहले जिस औरत का इस्तेमाल आपने अपनी अय्याशी के लिए किया था, आज 25 साल बाद आप उसी औरत को अपने बुढ़ापे की लाठी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरत जो इतने वक्त मेरे बाप की ब्याहता पत्नी का लेबर लगाकर घूम रही थी। देखो ऋषभ, अब तो हद से बाहर जा रही हो ऋषभ, स्टॉप इट। और आप रंजना देवी, आप क्या कर रही हैं? 20 साल तक जब मैं आपको अपनी मां समझने की गलती करता रहा, वो 20 साल जब आप मेरे पिता के साथ थी, मैंने कभी आपकी हंसी में यह सुर नहीं सुना, आपकी खुशी में यह खनक नहीं सुनी। कितने ताज्जुब की बात है, आप हमेशा नाजायज रिश्तों को ज्यादा अहमियत देती हैं। बकवास मत करो ऋषभ। लीजिए, नाजायज लफ्ज का इस्तेमाल करते ही ये साहब आदम के। क्यों कंवर साहब, अब तो आप अपने इस गुनाह को मानेंगे ना, क्योंकि यही शख्स आप दोनों के गुनाह का जीता जागता सबूत है। कुंवर साहब के सामने जुबान लड़ाई तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। कुंवर साहब, कुंवर साहब, आज सारा खानदान एक छत के नीचे मौजूद है। बात सुनी तो थी लेकिन आज अपनी आंखों से देख ली। पापियों में बड़ी एकता होती है साहब, बड़ी एकता होती है। इससे समझा दीजिए कि यहां से चला जाए वरना मैं जान ले लूंगा इसकी। करण, करण, मुंह से अपशब्द मत निकालो। करण सुना, सुना तुम्हारे बाप ने क्या कहा? अपने मुंह से अपशब्द मत निकालो लेकिन अपने हाथों से कुकर्म करते रहो। ऐसी सीख इस जैसे घटिया इंसान ही दे सकता था। स्टॉप इट, बाज आ जाओ। और आप, आपका बाज आएंगी रंजना देवी। पर ये करण हमारी जिंदगी में आया और अब ये इसका बाप आपके गले पड़ रहा है। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। देखा, देखा आपने कैसे एक गीदड़ अपने माँ बाप के सामने शेर बनने की कोशिश कर रहा है। Get out! जाओ यहाँ से! ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ का माहौल मत बिगाड़िए। ये हॉस्पिटल है, इसे हॉस्पिटल रहने दीजिए। घरेलू अखाड़ा मत बनाइए। ये मेरा घर नहीं है डॉक्टर साहब, इन लोगों का घटिया मोहल्ला है। Oh, my God.